दोस्तों, नासा हमसे मंगल ग्रह की कुछ सीक्रेट जानकारी छिपा रहा है। मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद है, मंगल ग्रह पर कई सभ्यताएं निवास कर रही हैं, मंगल ग्रह पर एलियन भी निवास कर रहे हैं। नासा हमसे ये जानकारी छिपा रहा है, स्कॉट सी वेरिंग का दावा है। स्कॉट सी वेरिंग एक यूफो हंटर हैं, जो मंगल ग्रह की जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं। उन्हीं ने ये सबसे बड़ा दावा किया है, नासा को झूठा साबित किया है। और दोस्तों, मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश में कई स्पेस एजेंसियां खतरनाक प्रयोग कर रही हैं। एलन मस्क भी मंगल ग्रह पर खतरनाक प्रयोग करने जा रहे थे। वो तो सीधा सीधा मंगल ग्रह पर परमाणु विस्फोट करने वाले थे। उनका कहना था कि परमाणु विस्फोट से मंगल ग्रह पर जो जमी बर्फ है वो पिघल जाएगी और मंगल ग्रह पर पानी मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में बदल जाएगी, यानी मंगल ग्रह का पूरा इन्वायरमेंट बदल जाएगा और वो इंसानों के रहने लायक बन जाएगा। लेकिन कई वैज्ञानिकों ने इसका घोर विरोध किया। उसके बाद एलन मस्क अपने इस प्रयोग को वहीं पर बंद कर दिया। लेकिन अभी भी खबर आ रही है कि नासा भी मंगल ग्रह पर एक खतरनाक प्रयोग करने जा रही है। दरअसल नासा मंगल ग्रह पर एक यान की टक्कर कराएगा, क्रैश लैंडिंग कराने की योजना बना रहा है। अभी तक किसी भी एजेंसी के पास क्रैश लैंडिंग कराने की कोई योजना नहीं थी, कोई तरीका नहीं था उनके पास। लेकिन नासा मंगल ग्रह पर क्रैश लैंडिंग कराने का तरीका ढूंढ लिया है और उसी टेक्निक का इस्तेमाल अब मंगल ग्रह पर नासा करने जा रहा है। इसके लिए नासा ने एक सील्ड नामक लैंडर बनाया है। ये लैंडर मंगल ग्रह पर सुरक्षित जगह की पहचान करेगा और उसी जगह पर यान की टक्कर कराई जाएगी, और यान की टक्कर होने के दौरान जो एनर्जी उत्पन्न होगी उस एनर्जी को ये लैंडर अवशोषित करेगा। और यान में जो महत्वपूर्ण डिवाइसें भेजी जाएंगी जो मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश करेंगी, वो आसानी से मंगल ग्रह पर गिर जाएंगी और इस लैंडिंग के दौरान डिवाइसों को कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, अभी तक जो भी लैंडिंग की जाती थी वो सॉफ्ट लैंडिंग की जाती थी। सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान एयर बैग और पैरासूट का इस्तेमाल किया जाता था। ये लैंडिंग काफी खर्चीली होती थी कंपेयर टू क्रैश लैंडिंग। नासा कहना है कि आने वाले भविष्य में अंतरिक्ष की दुनिया में नई क्रांति आने वाली है। अगर ये मिशन हमारा सफल हो जाता है मंगल ग्रह पर, तो स्पेस मिशन काफी सस्ता हो जाएगा। दोस्तों, नासा ने इस मिशन का टेस्ट धरती पर कर लिया है। 9 बार उसने टेस्ट किया और 9 बार सफल रहा ये टेस्ट। इसीलिए नासा की इतनी हिम्मत बन रही है मंगल ग्रह पर क्रैश लैंडिंग कराने की। दोस्तों, नासा की योजना है और ये जल्द करने वाला है। बस हमें उस समय का इंतजार है जब नासा ऐसा इतिहास रचेगा। तो दोस्तों, नासा के वैज्ञानिकों के बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।